हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे एट्थ क्लास हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर ये आवधिक परीक्षा प्रथम फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट का पेपर है केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए और पहला प्रश्न है निम्न गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है ये सीन है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है घर घर तक इसकी पहुंच है संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है शहरी इलाकों में आलिशान हवेलियां हों या झोपड़ पट्टियों में रह रहे लोग दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ के लोग समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग आज भी खतों का ही सबसे बेसब्री से इंतजार होता है तो पहला प्रश्न है पत्र व्यवहार का असली विकास कब हुआ पत्र व्यवहार का असली विकास आजादी के बाद हुआ नेक्स्ट डाक विभाग का सबसे ज्यादा गुडविल क्यों है सो डाक विभाग का सबसे ज्यादा गुडविल है क्योंकि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है लोग बेसब्री से किसका इंतजार करते हैं लोग बेसब्री से खतों का इंतजार करते हैं गद्यांश में संचार के उन्नत साधनों से चिट्ठियों की तुलना की गई है संचार के दो उन्नत साधनों के नाम लिखिए आजकल जो संचार के साधन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इंटरनेट और टेलीफोन नेक्स्ट आगे है पाठ एवं लेखक का नाम बताइए पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया चिट्ठियों की अनूठी दुनिया और इसके लेखक राइटर है अरविंद कुमार सिंह अरविंद कुमार सिंह नेक्स्ट आगे निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए अभी एक कोयम है हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले मस्ती का आलम साथ चला हम धूल उड़ाते चले आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले किस और चले यह मत पूछो चलना है बस इसीलिए चले दो बातें कही दो बातें सुनी कुछ हंसे कुछ रोए छक्कर दुख सुख के घुटों को हम एक भाव में पिरो चले तो पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम लिखिए कविता है दीवानों की हस्ती की हस्ती और कवि है भगवती चरण वर्मा चरण वर्मा अग्न दीवानों के साथ क्या चलता है दीवानों के साथ मस्ती का आलम चलता है आगे है दो बात कही दो बात सुनी का क्या अर्थ है मतलब कि जब वो चलते हैं तो दुनिया से कुछ सीख लेते हैं कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे जाकर उसको लोगों के साथ बांटते चलते हैं कुछ बातें कहते हैं कुछ सुनते हैं so, इसका अर्थ है चलते चलते कुछ बातें उन्होंने सीखी उन्होंने सीखी तथा कुछ ज्ञान दुनिया के साथ दुनिया के साथ बांटते चले आगे सुख और दुख के प्रति कवि का क्या भाव है सो so, सुख और दुख उनके लिए एक ही भाव है एक समान है दोनों कवि के लिए एक समान है आगे है लोगों ने कवि से क्या प्रश्न किया सो लोगों ने कवि से प्रश्न किया कि तुम कैसे आए और कहां चले नेक्स्ट सही विकल्प का चयन करें ध्वनि कविता के कवि का क्या नाम है सो ध्वनि कविता लिखी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने खा विकल्प सही है जातिवाचक शब्द का चयन करें विश्वास मनिहार बदलू सीतापुर विश्वास ये भाववाचक संज्ञा है बदलू सीतापुर नाम है जातिवाचक संज्ञा है।, है मनिहार जितने भी मनिहार है पूरी उनकी जाति है मनिहार मतलब जो लोग चूड़ियाँ पहनाते हैं ये शब्द हमें उनका बोध कराता है सो खा विकल्प सही है प्रत्यूष शब्द का क्या अर्थ है प्रत्यूष मतलब सुबह का समय उषा काल नेक्स्ट लेखक और उनके चार मित्रों को कहाँ के लिए ट्रेन पकड़नी थी उन्हें जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की खोज पुस्तक जेल में रहकर लिखी थी वह स्थान कहाँ है वह स्थान है अहमदनगर में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाया करता था क्योंकि उनके गांव में एक लाख की चूड़िया बनाने वाला कारीगर था जो लेखक को बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियाँ देता था लाख की बनी हुई इसीलिए वो गाँव में बहुत चाव से जाया करता था वह बदलू को बदलू मामा ने कहकर बदलू काका क्यों कहता था क्योंकि गांव के सभी लोग उसे बदलू काका बोलते थे लेखक भी बदलू मामा को बदलू काका ही बोलता था आंसर लिख लेंगे आप आगे लेखक पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था तो जिस बस में लेखक जा रहा था उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी ब्रेक कभी भी फेल हो सकते थे कोई भी चीज़ टूट सकती थी तो उसको लगता था कि कोई भी पेड़ अगर आएगा तो बस उससे टकरा जाएगी इसीलिए वो जितने भी रास्ते में पेड़ आ रहे थे उन्हें अपना दुश्मन समझ रहा था आगे कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकि क्यों बताया है स्पष्ट कीजिए क्योंकि कवि का मानना है कि जो पक्षी है और बादल है वो भगवान के संदेश हम तक लेकर आते हैं भले ही हम उनको ना समझ पाए लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं पानी है पहाड़ है वो उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं इसीलिए उन्हें भगवान के डाकि कहा गया है आगे पत्र लेखन की कला विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए सबसे पहले तो पत्र लेखन को स्कूल के करिकुलम में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स प्रतियोगिताएँ कराई गई सोलह साल से कम आयु के बच्चों के लिए 1972 में इसको शुरू किया गया नेक्स्ट है भारत की खोज के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो पहला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बारे में विद्वानों के कई मत हैं आपके विचार में सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा तो किसी को भी आप लिख सकते हैं वैसे विद्वानों के क्या क्या मत है कि कोई एकदम से कोई दुर्घटना हुई होगी या फिर जो सिंधु नदी थी उसमें बाढ़ आ गई जिसकी वजह से आसपास के जो गांव थे क्योंकि उसके किनारे पर ही बसे हुए थे सभी नगरों को गाँव को वो अपने साथ भाग कर ले गई या फिर एक ये भी समझा जाता है कि मौसम एकदम से बदल गया ज़मीन सूख में सूखा पड़ गया और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई चारों तरफ रेगिस्तान हो गया इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई तो तीनों में से जो भी आपको ज़्यादा सही लगता है कैसे अंत हुआ उसको आप लिख देंगे अगला प्रश्न है आखिर यह भारत है क्या अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था उसने अपनी शक्ति को कैसे खो दिया तो भारत सिर्फ जो एक भूभाग है उसका नाम नहीं है वो यहाँ पर रहने वाले लोगों उनकी संस्कृति उनकी सभ्यता उनकी उनके जो रीति रिवाज है जो इतिहास है उसका नाम भारत है और बहुत सारी संस्कृतियाँ यहाँ पर आई उसने कई संस्कृतियों को बनते और बिगड़ते देखा है लेकिन जो एक एक ओरिजिनल वास्तविक यहाँ की संस्कृति थी उसने इसने उसको बचा के रखा है बचा के नहीं रखा बल्कि उसको श्रेष्ठ सिद्ध किया है और इसी संस्कृति का ये प्रतिनिधित्व करता है आगे है कि इसने अपनी शक्ति को कैसे खो दिया तो जो हमारी प्राचीन शक्ति और प्रतिष्ठा थी उसे हमने दूसरों पर निर्भर रहकर और भोग विलास में लीन रहने के कारण उस शक्ति को खो दिया है लेकिन वो अभी भी पूरे तरीके से नष्ट नहीं हुई है आगे है आपके मन में मातृभूमि की कैसी तस्वीर तस्वीर है तो हमारे मन में भारत मातृभूमि की कुछ ऐसी तस्वीर है कि यहाँ पर बहुत विशाल घास के मैदान होंगे चारों तरफ हरे भरे खेत होंगे नदियाँ होंगी पहाड़ होंगे जो लोग हैं उनमें आपस में भाईचारा होगा सभी धर्म को मानेंगे उसका अनुसरण करेंगे इस तरीके की मातृभूमि की तस्वीर हमारे मन में है नेक्स्ट आगे निम्न शब्दों के दोनों अर्थ स्पष्ट करने वाले वाक्य बनाइए जल जल मतलब एक तो पानी और एक आग से जल जाना दो वाक्य आपको बनाने अलग अलग जो अर्थ स्पष्ट करते हो ओके तो एक तो जल के बिना जीवन अधूरा है बिना पानी के बिना जीवन अधूरा है या संभव नहीं है और एक घर में आग लगने से सारा सामान जल गया दूसरा है हार हार एक तो हार जाना जीतने का ऑपोजिट और एक हार मतलब वो फूलों वाला हार फूलों वाला हार सो so, सेंटेंसेस हो जाएंगे कि हमारी हमारे विद्यालय की टीम कोई भी गेम का नाम आप लिख देंगे उस प्रतियोगिता में हार गई और दूसरा जीतकर आने के बाद दूसरी टीम के सभी जो प्रतिभागी थे लोगों ने उन्हें फूलों के हार पहनाए चलिए आगे निम्न की संधि कीजिए, जोड़कर लिखना है रवि प्लस इंद्र ये हो जाएगा रवि इंद्र दीर्घ संधि है संग्रह प्लस आल्य संग्रहालय जहां पर चीजों को रखा जाता है पुरानी चीजें महा प्लस आत्मा महात्मा जल प्लस आशय जलाशय नेक्स्ट अगर छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप आपको uh, प्राप्त करनी है उसके लिए uh, विद्यालय के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है सो so, इस तरीके से आप लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय आपके विद्यालय का नाम दिनांक विषय छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन पत्र महोदय सविन्य निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में आठवीं अ का आज्ञाकारी और मेधावी छात्र हूँ मेरा नाम जो भी आपका नाम है ये है मेरे घर की आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है मेरा कला और खेल में भी अच्छा प्रदर्शन है मेरे पिताजी मेरे आगे की पढ़ाई का खर्च वहन करने में असमर्थ है मैं आगे की पढ़ाई जारी रखने का इच्छुक हूँ जिससे मैं अपने स्कूल और देश का नाम रोशन कर सकूं अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरी आर्थिक स्थिति और इच्छा को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा आपका आज्ञाकारी शिष्य छात्र आपका नाम कक्षा और दिनांक ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था क्लास एट आठवीं कक्षा हिंदी का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग